आज हमारे साथ हैं दिल्ली की प्रभारी सीपी सिंह साहब, जो बहन कुमारी मायावती के बहुत नजदीकी भी हैं और पूरे देश का दौरा करते हैं, क्योंकि उनकी जिम्मेवारियां बहन जी बहुत जगह जगह पे जाके लगा देती हैं और जिन्होंने पूरे देश का ही भ्रमण सा कर लिया है। सीपी सिंह साहब, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सीपी सिंह साहब, एक बात बताइए, 2019 के इलेक्शन बहुत नजदीक है, आपने कई जगहों पे जाके, मध्य प्रदेश वगैरह जाते हैं, कई जगह जाते हैं और वहाँ पे राजस्थान वगैरह सब जगह आपने जाके बहुत अच्छा सा ग्राफ दिया है, तो आप 2019 के इलेक्शन को कहाँ पे देखते हैं? बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन पाएगी, नहीं बन पाएगी और कैसे बन पाएगी, उसके बारे में बताएंगे। इस देश के अंदर जो अभी परिस्थिति चल रही है, जो वर्तमान सरकार चल रही है, उससे लोग त्रस्त है। पहले जो 50 साल उन्होंने शासन किया उससे भी लोग त्रस्त है और आज माहौल ऐसा बना है, क्योंकि जब बहन जी ने 4.5 महीने की सरकार चलाई, 6 महीने की सरकार चलाई, 15 महीने की और 5 साल की जो 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई, तो उन्होंने जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन था, उनका काम करने की जो क्षमता थी, जो उन्होंने टाइम और प्रोग्राम में काम किया, तो हर आदमी चाहे वो किसी भी जात का है, किसी भी मतलब समाज का है, उन्होंने बहन जी की सराहना की और चाहे वो किसी पार्टी का है, जो विपक्ष पार्टी है उन्होंने भी इस बात को सराहा कि बहन जी का जो काम करने की शैली है वो अद्भुत है, उनका कोई मुकाबला नहीं। आज इस देश के अंदर लोग काम चाहते हैं, तो काम के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि 2019 के अंदर हर आदमी की चाहत है कि भाई इस बार मतलब बहन जी को मौका दिया जाए और लोग दिन पे दिन बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ बढ़ाएं, चाहे वो मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, चाहे मध्य प्रदेश है या अन्य राज्यों में जहाँ पर भी चुनाव है, और हालात ऐसे बने कि 100% इस बार बहन जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और हर लोग भी चाहते हैं कि बहन जी एक ऐसी सतर्क नेता है देश के अंदर जो इस देश को संभाल सकती हैं, उनके काम करने की शैली से सब लोग प्रभावित हैं, तो उनकी मतलब उनने सोच बनी है कि इस बार हम लोग जब उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, उसको बापू की बहन जी निभा सकती हैं, सारे गुंडों को तराजम भेज सकती हैं और सारे मतलब वहाँ पर बैकलॉग पूरा कर सकती हैं, सब लोगों को नौकरी मुहैया करा सकती हैं, बढ़िया से बढ़िया रोड बना सकती हैं, तो जो काम डेवलपमेंट के उन्होंने किया, अमेरिका ने करा था, बहन जी ने Formula 1 रेस करा के मतलब जरा से जिले में करा के दिखा दिया, तो वो उनके जो काम करने की शैली अद्भुत शैली। अभी इस देश के अंदर बहन जी ने मात्र 600 करोड़ रुपए लगाकर इतने मतलब भवन बनाने का काम किया, पार्क बनवाने का काम किया और सरकार को राजस्व देने का काम किया। आज यदि ताजमहल के बाद सबसे ज़्यादा यदि मतलब किसी को पसंद किया जा रहा है, ये पर्यटक जो पसंद कर रहे हैं, तो बहन जी के बनाए हुए पार्क है और उनके जो भवन है उनमें मतलब जाना पसंद करते हैं, तो इससे मतलब ना लोगों के अंदर एक उनके प्रति चाहत बनी है, उनमें विश्वास बना है कि एक नेता यदि इस देश के अंदर आज की तारीख में है जो मोदी का मुकाबला कर सकते हैं देश के अंदर, वो सारी सुख सुविधा गरीबों को और हर दास को दे सकते हैं, तो मात्र बहन कुमारी मायावती नजर आता है। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि 2019 में 100% बहन कुमारी मायावती देश के प्रधानमंत्री बनेगी, कोई उनको रोक नहीं।